तो हेलो सर, कैसे हैं? नमस्कार अभी भाई, बहुत बहुत नमस्कार धन्यवाद, सर। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। और बहुत अच्छा लगा कि आपसे आज बातचीत होगी। जो भी आपके मन में ख्यालात है, सवाल है, होप जो आपको पब्लिक देख रही हो उनके भी कई सारे सवाल के जवाब मिले। और या लेट्स स्टार्ट। यस सर। तो सर, अभी जैसा कि कोविड-19 वायरस अभी मतलब कि स्टार्ट ही हुआ था, मतलब अब खत्म ही हो रहा है एक तरीके से देखा जाए तो सर, क्या इस कोविड-19 वायरस के लिए आपको कोई मतलब कि एक शॉक टाइप का लगा कि आपको कोई सेटबैक हो गया हो, जैसे लॉकडाउन में काफी लोगों का हुआ था? नो no, ऐसा नहीं। सही बताऊँ तो लकीली ये कोविड-19 मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए और बहुत ही बढ़िया उछाल हुआ। क्योंकि ऐसा तो नहीं कहूँगा कि ये सही चीज़ थी, बट मेरे लिए ओवरऑल सही थी। क्योंकि कई लोग इस लॉकडाउन में फ्री थे, कई लोग अपने घर के पे बैठे थे, इसलिए उसी के साथ कई लोगों के मन में सीखने की भी इच्छा हुई, चलो कीबोर्ड सीखते हैं। इसलिए कई कई सारे लोग इस लॉकडाउन के दरमियान अपने चैनल के ऊपर आए, वहाँ पर बैठे और सीखे। इसलिए मेरे लिए तो सही बताऊं तो एक कमबैक था, और कमबैक तो नहीं कहूंगा, मींस मेरे लिए ये एक उछाल था जो कई सारे बेनिफिट्स मेरे चैनल के लिए और मेरे लिए हुआ इस लॉकडाउन के कारण, और इस लॉकडाउन के दरमियान, और इस कोविड-19 के दरमियान। बट हो पॉसिबल आने वाले टाइम में सब कुछ चीज़ें नॉर्मल हो जाए, ख़त्म हो जाए, उतना ही ज़्यादा बेस्ट है ना। ये है यस सर। तो मतलब कोविड-19 एक आपके लिए बेनिफिशियल लॉकडाउन रहा है, जो अभी हो रहा है? अभी तक बेनिफिशियल रहा, और कोशिश करेंगे आगे भी हो। बट ये एक आर्टिस्ट लोगों के लिए, जो यस लोग सर। घर पे आप बैठे सीखने के, जिनकी इच्छा थी, जिनको कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा थी, तो वो लोग को फ्री टाइम मिला। और उनमें से कई सारे लोगों ने अपने इस क्रिएटिव मीन्स इस टाइम को क्रिएटिव वे में लाए और कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश की। मेरे जैसे सभी आर्टिस्ट जितने भी थे उनका भी कई सारा मीन्स इसमें बेनिफिट हुआ, लोग ऑनलाइन तरीके से जुड़े है ना। और ओवरऑल सही, बट जैसे मैंने पहले कहा, आने वाले समय में ये सब चीज़ जितनी नॉर्मल हो उतनी अच्छी है ना। यस सर। ये है तो सर, मेरा अगला सवाल आपके लिए ये है कि जो अभी न्यू जनरेशन आ रही है सर, वो कीबोर्ड के मतलब समझते हैं कि एक टाइप से कि कीबोर्ड मतलब किसी गाने बजाना, तो क्या बेसिक म्यूजिक, जो बेसिक लर्निंग ऑफ म्यूजिक है, वो उनके लिए क्या जरूरी है सर? कीबोर्ड सीखना तो नॉर्मल सभी लोगों अलग अलग तरीके से कीबोर्ड सीखते हैं। जैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है, सबका अलग अलग वे होता है, जैसे सबका अलग अलग नज़रिया होता है किसी सेम चीज़ को देखने का, तो वैसे कीबोर्ड के ऊपर भी ये सेम चीज़ है। कई लोग कीबोर्ड सिर्फ गाने बजाने के लिए सीखते हैं, कई लोग कीबोर्ड सिर्फ, ये अलग अलग सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है मेरे हिसाब से आपके सवाल का जवाब। कि लोग किसी को देख के भी बजाना सीखते हैं, और नॉर्मल तो ये म्यूज़िक है, इसमें कोई वैसा बात नहीं है कि गाने ही बजाओ वो बजाओ, जो मर्जी आप कर सकते हो अपना क्रिएटिव वे में इसको, और तो कंपोजिंग सर वगैरह जो सॉन्ग वगैरह मतलब कर सकते हो। बेसिक लर्निंग जो है सर, बेसिक तो मेरे भाई ज़रूरी है ही, अगर चीज जो किसी बेसिक चीज़, लर्निंग है म्यूजिक यस की, वो इम्पोर्टेंट है? तो इम्पोर्टेंट तो है ही भाई। जैसे अगर आप स्कूल में जाते बेसिक हो मतलब तो कितना यही वही इम्पोर्टेंट बहुत है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लाइक अगर आप स्कूल में जाते हो तो अगर आप ABCD नहीं सीखोगे तो आपको पढ़ना कैसा आएगा, आप स्टेज के ऊपर कैसे पहुंचोगे। अभी जैसे भी आप कौन सी भी, अभी आप कौन सी क्लास में बाय द वे आप सर अभी तो मैं हूँ 10th में सर। 10th में, तो अगर आप 10th में, अगर आपको जब इंग्लिश पढ़ने या फिर किसी सीखने का बेसिक ही आपको नहीं पता होता, तो आज आप 10th तक नहीं पहुंचते। तो सेम चीज़ है, अगर आपका बेसिक नहीं पता होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आपकी नींव है, अगर आपकी जितनी मकान की नींव कमज़ोर होगी उतना ही ज़्यादा आपको मुश्किल होगी आने वाले फ्यूचर में। और वही चीज़ है, इसलिए बेसिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक के बेस के ऊपर ही हम आगे की चीज़ें सीखते हैं और आगे की चीज़ें समझते हैं। नहीं तो फिर वो रटा रटा हो गया, मीन्स रटे रटाया हो गया, एक बार आप किसी गाने को सीख लो देन थोड़े दिन बाद में आप उसको भूल जाओगे है ना। ये है सर, और सर क्या है कि आपकी यूट्यूब जर्नी जो है अभी मतलब काफी एक ब्रॉड जर्नी हो चुकी है, आपसे काफी मिलियन पीपल सीख रहे हैं पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर भी। तो हाँ जी, सर, आपने जब अपने करियर की स्टार्टिंग की थी, तो आपने क्या सोचा था कि हाँ, मुझको किस लेवल तक एक जाना है, किसको स्टार्टिंग मैंने किसको आइडियल मान के आपने ये कीबोर्ड की जर्नी? यस यस शुक्रिया, बहुत प्यारा सवाल। स्टार्टिंग मैंने एक्चुअली की थी अभी 2016 में, मैंने दिसंबर में की थी स्टार्टिंग अपने यूट्यूब चैनल की। सीख तो मैं कई देर से रहा था, कई दिनों से नहीं, जब मैं भी शायद 10वीं 11वीं में था तब से मैंने शुरू किया था। सिर्फ एक फैमिली शौक था ये, कि फैमिली शौक जैसे लाइक पापा का शौक था, उस हिसाब से पापा ही कीबोर्ड लेके आए थे। देन उसके बाद में हमने इंटरेस्ट लगाना शुरू किया। देन मैं एक दो महीने ऐसे ही प्ले कर रहा था कि कोई टीचर तो थे नहीं, तो यूट्यूब ही एक टीचर था, तो मैं नॉर्मली यूट्यूब पे वीडियोस देखता था, कोई भी गाना सुनता था, देन उसको प्ले करने की कोशिश करता था यूट्यूब के वीडियोस को ही देख के। तो फिर मुझे भी लगा कि चलो
मैं भी जो भी सॉन्ग सीख रहा हूँ उसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूँ अपने वे में, जिससे लोग मुझे भी देख के कुछ ना कुछ सीखें या यस सर, फिर यस सर, उनको और आसान तरीके से मैं वीडियो प्रोवाइड करूँ। तो इस तरीके से शुरुआत की थी और फिर धीरे 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 समय लंबा चलता गया, लोगों को देखते गए, एक्सपीरियंस होता गया। इसलिए आइडल तो कोई एक नहीं, कई सारे लोग आइडल्स हैं, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं अलग अलग क्रिएटर्स के थ्रू, अलग अलग लोगों के द्वारा, है ना। और अभी चल रहा है और होप आगे भी यस इसी सर। तरह तो चलता रहे। बढ़िया, यस। सर कैसा लगता है जब पहले आप YouTube को देख करके सीखते थे, आज लोग आपको देख करके सीख रहे हैं? या अच्छी बात तो मीन्स अच्छा तो फील होता है कि लोग डेली के कई सारे मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, सभी चीज़ों के ऊपर अप्रिशिएट करते हैं लोग। या सही बात है, अच्छा तो लगेगा ही। और एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ जो हम कुछ कर रहे हैं वो अच्छा तो है, मीन्स उसका कुछ ना कुछ तो मतलब निकल रहा है जो लोगों को समझ में आ रहा है और वो उनको फॉलो करके अपने हिसाब से कुछ सीख पा रहे हैं और खुश हो रहे हैं। यस सर, यस सर। तो सर प्रैक्टिस करना तो सर जरूरी है ही, कीबोर्ड के मतलब कीबोर्ड सीखना है अगर हम्म। तो सर वैसे प्रैक्टिस की हैबिट मतलब कितनी होनी चाहिए, कितना प्रैक्टिस हम एक आइडियल टाइम पर प्रैक्टिस 1 घंटे आधे घंटे कितना आप करते हैं और आप दर्शकों को देंगे एडवाइस कि वो उनको करना चाहिए? देखिए इसमें जो अभी शुरुआत में अभी सीख रहे हैं जो आपके लेवल के हैं 10वीं 11वीं, और फिर आगे कुछ ना कुछ करना चाहते हैं म्यूज़िक में, तो सीधी सी बात है उनको अपना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो पहले ही कहूँगा कि ना करें, क्योंकि किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो ना करें तो ये बेहतर होगा। आधे घंटे 1 घंटे की वो बात है यस कि सर, एक तो एकदम आप एकदम सही किताब लेके पूरा दिन बैठे रहो और एक उसी किताब को सही तरीके से आधे घंटे भी पढ़ लो, बहुत है। तो है। जो भी काम करो वो अपने पूरे इंटरेस्ट से करो, यस अपने सर, यस पूरे रुचि से करो। कई लोगों को समय नहीं मिल पाता है पूरे दिन में, 1 घंटा बहुत मुश्किल बात है कि पूरे दिन में से 1 घंटा निकाल पाए ओनली म्यूज़िक के लिए, कीबोर्ड के लिए। तो ऐसा मुश्किल नहीं, अगर आप डेली के 10 मिनट भी करो तो भी वो चीज़ है। वो चीज़ें मीन्स जितना ज़्यादा आप गोल्ड को पॉलिश करोगे उतना ही वो शाइन होगा। इसलिए ये तो बात है कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको यस सर, बेनिफिट यस सर, मिलेगा, यस सर। बट आप अपने टाइम के हिसाब से मैनेज करके एटलीस्ट कोई स्केड्यूल बनाओ, भले आप दिन का 10 मिनट भी करो बट सही से करो और खुशी से करो अपनी, यस सर, यस है ना। डेली ये बात डेली। है। यस। तो सर आप कितना देर प्रैक्टिस करते हैं दिन में? दिन में एक्चुअली मेरी क्या रहती है, मेरी क्लासेस रहती है। देन मैं क्लासेस के दौरान भी जैसे मैं किसी अपने स्टूडेंट को बता रहा हूँ तो उनके थ्रू भी मेरे साथ प्रैक्टिस, उनके साथ भी मेरी प्रैक्टिस हो रही है। देन मैं अपने वीडियोस के लिए भी जो कीबोर्ड के ऊपर प्रैक्टिस होती है वो होती है। देन कुछ लगभग सही बताऊँ तो लगभग मेरा आधा दिन या पूरा दिन वैसे ही निकलता है कीबोर्ड के साथ ही, और यहीं पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहीं पे बैठे बैठे, इसलिए मेरे तो पूरा चलता रहता है। और लॉकडाउन में एक ऐसा मेरे को टाइम मिला जिसको मैं गोल्डन टाइम कहूँगा, जिसमें मैंने कई सारी चीज़ें सीखी, कॉलेजेस वगैरह स्कूल वगैरह इन सब का कुछ टेंशन नहीं था और अपने काम के ऊपर मैं पूरा फोकस कर पाया। तो मेरा तो एनी टाइम वैसे कोई जब यस करता सर, हूँ तो यस सर। वैसे समय गिनता नहीं हूँ कि अभी इतना टाइम हो रहा है, अभी इतना टाइम हो रहा है, इसलिए लगभग पूरा दिन चलता है मेरा, ऐसी बात है। सर आपकी जर्नी अभी लगभग 4 से 5 साल की हो रही है यूट्यूब पर, हाँ जी। और सर मे बी कीबोर्ड बजाते समय आपकी कोई जर्नी 5 से 6 ईयर की हो गई होगी अभी तक, ना एक्चुअली जैसे यस जब सर? जब तो मैंने कीबोर्ड बजाना इस शुरू किया था तभी से मैंने यूट्यूब शुरू कर दिया था। एक लगा था कि चलो यूट्यूब शुरू करते, मीन्स यूट्यूब से ही ओ इंस्पायर होकर तो कीबोर्ड बजाना शुरू किया, देन कीबोर्ड बजाते ही यूट्यूब पे फिर से स्विच हो गए। तो यूट्यूब और कीबोर्ड का एक अलग ही वो संबंध जैसा है। कॉम्बिनेशन बना के आपके लिए। हाँ वो ऐसा कॉम्बिनेशन है अभी। हाँ तो सर मतलब कि जब ये आपने YouTube पर वीडियो वगैरह डालना चालू कर दिया है ना सर, तो हाँ जी। इसके बाद जब आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता था कि हाँ मुझे रोज नई वीडियो डालनी है, क्योंकि तो कभी कभार व्यूज सब्सक्राइबर वगैरह नहीं आते हैं YouTube पर तो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। यस। बट आपका मेन उसमें आपका गोल क्या है वो आपको होना चाहिए ना। आपका अभी आप जब यूट्यूब पे ऊपर वीडियो डाल रहे हो तो आपका इसमें गोल क्या है वो आपको पता होना चाहिए। आपका गोल लाइक सब्सक्राइब है या आपको अपना म्यूजिक बढ़िया करना है। आपका अगर गोल लाइक सब्सक्राइबर है तो वो तो खरीदे भी जा सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अगर आपका गोल ये है कि यस सर, मीन्स 10 10 खराब कमेंट में से भी अगर 2 अच्छे खासे कमेंट आ रहे हैं और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, तो उसमें कुछ नुकसान तो है ही नहीं ना। कुछ ना करने से तो कुछ करना बेहतर है। इसलिए जब भी आपको समय मिले यस भले सर, एकदम 5 व्यू भी आए 10 व्यू भी आए बट एटलीस्ट 10 लोग तो आपको देख रहे हैं ना, तो वो आपके लिए मोटिवेशन होना चाहिए। और किसी भी छोटी सी भी चीज़ को आप मोटिवेशन मान के आगे बढ़ सकते हैं, या फिर नहीं तो बहुत सारे मोटिवेशन में भी आप एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट ढूंढ के भी आप डाउन हो सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ को यस सर, किस वे यस में सर, लेते यस हो, है ना। तो वैसा है, तो मेरा भी सेम ही रहता यस था, सर, बहुत व्यूज अच्छी बात। शुरुआत में सभी के वैसे ही आते थे, है ना। फिर धीरे 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 चीज़ें चली। तो सर आपके
यस सर, तो सर आप किस करियर में, आपको सभी तो जैसे आप अभी तो सफल हैं, तो मतलब एक बड़ी सफलता के पीछे एक मतलब कि असफलता का भी हाथ होता है, तो क्या यस कोई ऐसी असफलता रही है जिससे आपने बहुत कुछ सीखा हो? मेरे मीन्स डेली यूट्यूब जर्नी में सफलता असफलता डेली चलता है। ऐसा है नहीं कि आज हम टोटल सक्सेस हुए, नो अभी सक्सेस भी यस अभी हुए नहीं, अभी भी स्टिल स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। ऐसा है नहीं कि अभी हो गए तो इसको ही पूरा मान लिया, लो अभी सब मौज मौज, अभी बस रोज चम्मच की मीन्स चांदी की चम्मच से खाओ, वैसा तो अभी है नहीं। स्टिल अभी स्टिल स्ट्रगल चल रहा है, बट हाँ सफलता असफलता डेली फेस करनी पड़ती है। किसी चीज़ों में टाइम लग जाता है, यूट्यूब के ऊपर भी आपको पता है कॉपीराइट्स क्लेम वगैरह रहते हैं, तो इतनी ज़्यादा अभी तक मैं असफलता नहीं यस मानूंगा कि सर इतनी यस ज़्यादा सर असफलता है। ये डेली का वर्क है, लाइफ है, कभी ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए डेली वैसा ही चलता है। इतना बड़ा अभी तक मेरे लाइफ में कुछ हुआ नहीं, जो चल रहा है वो सही चल रहा है, और होप फिंगर क्रॉस आगे भी ऐसा चलता रहे। यस सर। तो सर ये आप कई, जैसे मैं इंस्टाग्राम पर भी आपको काफी समय से फॉलो कर रहा हूँ, यूट्यूब पर भी फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि आप कुछ ना कुछ म्यूजिक प्रोडक्शन को भी लेकर के पोस्ट करते रहते हैं, या फिर आपको कुछ वर्क चल रहा है म्यूजिक प्रोडक्शन को भी लेकर के। तो हाँ सर आप म्यूजिक प्रोडक्शन भी कहाँ से सीखा आपने, और मतलब कि म्यूजिक प्रोडक्शन के जो लोग अभी हमें देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? म्यूजिक प्रोडक्शन एक ऐसी चीज़ है कि इसमें जितने आप घुसते जाओ उतना ही ये और बड़ा होता जाएगा, इसलिए इसमें कोई ऐसा लिमिट तो है नहीं। आप ब्रॉड होता सीख चला जाएगा। हाँ और भी बड़ा होता चला जाएगा, इसलिए जितना इसमें वैसे कोई लिमिट है नहीं। जितना आप यस इसमें सर अपना इंटरेस्ट डालोगे आपको रोज़ नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। और पहले तो क्या, पहले लोग कीबोर्ड प्ले करते थे, नॉर्मली सुनते थे, सुना देते थे, बट म्यूजिक प्रोडक्शन या फिर बाद में जितने ये DAW है, इन सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने म्यूजिक को और क्वालिटी में बना सकते हो, और क्वालिटी में इसको बना सकते हो, लोगों को सुना सकते हो, जिससे लोगों को और पसंद भी आए। इसलिए ये चीज़ें तो एक ज़रूरी है, और आने वाले टाइम में भी मेरे को बहुत पसंद है, इसलिए मैं सीख रहा हूँ और आगे भी सीखता रहूँगा शायद, और कुछ ना कुछ डेली सीख ही रहा हूँ। वैसा है नहीं, ऐसा है नहीं, जैसे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं यस उसमें। सर तो यस ये बात है। सर काफी ज्यादा लोग हैं यूट्यूब के अंदर जो आपकी तरह एक क्लियर करियर बिल्ड करना चाहते हैं, सच में तो आप इंस्पायर हो रहे हैं, तो सर आप उनके लिए क्या टिप देना चाहेंगे कि कैसे वो एक करियर आपकी तरह बिल्ड कर सकते हैं? देखो ऐसी बात है, जैसे करियर में मेरी तरह बिल्ड करने की बात नहीं है, अपने किसी भी फील्ड में अगर वो कोई करियर बनाना चाह रहा है तो सभी को यही टिप है और सभी को पता होता है, बट वो करना थोड़ा मुश्किल होता है कि कोई भी करियर आप बिल्ड करो तो उससे पहले कुछ सपने देखो जागते हुए, और उसको अपनी पूरी 100% मेहनत के साथ उसको कंप्लीट करो, डेडिकेटेड उसके ऊपर टाइम दो, डेडिकेटेड उसके ऊपर अपना वर्क दो, और देन ऑब्वियसली बात है आपको सक्सेस आपके पीछे है और आप उसके आगे। तो नॉर्मल बात है, यही है, कोई भी करियर आप बिल्ड कर रहे हो, म्यूज़िक की बात हो या किसी में भी हो, उसके आप डेडिकेटेड प्रैक्टिस करो, पहले खुद सीखो देन लोगों को सिखाओ, कोशिश करो लोगों को सिखाओ, ये तो मेरा करियर हो गया सॉरी, बट देन मीन्स आप अपने स्टेप्स लो अपनी पूरी मेहनत के साथ, अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ। तो यही है, कोई भी करियर आप बिल्ड करो अपनी पूरी मेहनत दो और फिर अपने जो स्टेप्स है आगे लो, सीधी सी बात है आप आसानी से उसमें सफल होंगे। क्या सर आप म्यूजिक सिखाते भी हैं यूट्यूब पर ऑनलाइन, मतलब पर्सनल कोचिंग टाइप का कुछ? या ये पर्सनल क्लासेस है थोड़ी बहुत, बट ये उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड नहीं हूँ, बस उसका मीनिंग यही है कि मैं भी उसके थ्रू कुछ सीखता रहता हूँ, मेरी बातचीत होती है, मुझे पता चलता है लोगों का पर्सनल में क्या एक्सपीरियंस है। तो ये तो मेरा कुछ ऐसा मुख्य फोकस है नहीं कि मुख्य फोकस ये तो मेरा कोई ऐसा मुख्य मेन है नहीं कि सिखाना ही है लोगों को, बट शुरुआत में ऐसा है कि इसमें कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी हो जाती है और उसके साथ मुझे भी साथ साथ में सीखने को मिलता है लोगों के थ्रू, और साथ साथ में मेरी भी प्रैक्टिस होती है, एक स्किल्स भी डेवलप होती है धीरे धीरे, इसलिए और ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ है नहीं, अभी प्रेजेंट टाइम की बात है। सर यस तो जो लोग आपसे पर्सनली सीखना चाहते हैं वो कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, क्या आप मेंशन करेंगे? नो सर, अभी तो मैं नहीं करना चाहूँगा क्योंकि पर्सनली सीखने में सही बताऊँ कि कई सारे मैसेजेस हैं, इसलिए पर्सनली तो मैं अवेलेबल बहुत अभी मुश्किल होगा, बट आने वाले टाइम में हम ऐसा कुछ करने की कोशिश करूंगा जिससे कई सारे लोग एक साथ जुड़ पाएँ और पर्सनली सीख पाएँ। इसलिए अभी 1-to-1 तो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि कई सारे हजारों में से डेली के आ जाते हैं और लोगों को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए अभी अकेले के लिए। आगे कुछ टीम बनेगी इन फ्यूचर तो ज़रूर हमारी कोशिश रहेगी कि साथ में सब सीखें और अपने शौक़ पूरे करें और अपना मनचाहा गाना जो भी है आगे करें। तो जैसे कि हम लोग का टाइम अक्सर वो खत्म किए और की तरफ चला जा रहा है, अच्छा आपका भी काफी बिजी शेड्यूल होता है, आपने टाइम निकाला हमने हमारे लिए बात करने के नो लिए अच्छा खासकर, कोई बात नहीं ताकि हमारी ऑडियंस को कुछ। तो सर
आप जो हमारी ऑडियंस को बताएंगे कि मतलब म्यूजिक में क्या क्या स्कोप है और उसे कैसे पूरा कर सकते हैं? या ओनली अगर आप शुरू से अगर म्यूज़िक में स्कोप की बात करें तो म्यूज़िक में कई सारे हैं, पूरा म्यूज़िक भरा पड़ा है, पूरी इंडस्ट्री भरी पड़ी है। और आप खुद का म्यूज़िक बनाएं, अलग अलग चीज़ें सीखें, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सीखें। अगर सबसे पहले कोई इंस्ट्रूमेंट तैयार करें, देन अगर आपका गला अच्छा है या फिर अगर आप अपना गला अच्छा करना चाहते हैं तो सिंगिंग सीखें, देन म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखें, देन उन सबको बना के अपने खुद के गाने बनाएं। बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही प्यारी चीज़ है, इसमें 10 दिन का काम नहीं है, डेडिकेटेड आपको पूरी अपनी लाइफ चाहिए इसके ऊपर और इन्वेस्ट करने के लिए। और देन यस, स्कोप तो स्कोप ही स्कोप है, आप अपने हिसाब से किस वे में ले रहे हो, आपको आपके ड्रीम्स क्या हैं उस हिसाब से फॉलो करो और म्यूज़िक में अपना कोई भी नई नई म्यूज़िक लाओ। और यस, कई सारी ऑडियंस है जो कई नया नया प्रकार के लोग, आजकल लोग, सही बताऊँ तो आजकल लोग खुद कुछ ना कुछ डेली नया सुनना चाहते हैं। तो यस, अपनी क्रिएटिविटी से कुछ नया बनाओ, लोगों को सुनाओ और बस यस मौज सर, करो। यस सर, थैंक यस, यही बात है। यू सर, मजा आया आपसे बात करके। तो या भाई, बहुत 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 जैसा कि मज़ा अभी आया। टाइम तो खत्म ही हो गया है फिर से, यस यस यस, चलिए या बहुत मज़ा आया, सर, छोटी सी तो थैंक बातचीत थी, होप यू फॉर आपके। ज्वाइनिंग सर। या शुक्रिया, तो बहुत अच्छा लगा अभी भाई आपसे बात करके, होप हम आगे भी इस प्रकार से मुलाकात करें। और जो भी आपकी ऑडियंस देख रही है सभी को कहना चाहूँगा कि यस सर, यस सर, वीडियो को लाइक कर दें और जो भी अपने थॉट्स हैं वो कमेंट करके बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस और वीडियोज़ के लिए। चलिए, ओवर टू यू। सर, तो थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। शुक्रिया शुक्रिया, मिलते हैं बहुत जल्द।